फ्रेशर्स डर जाते हैं डरने के साथ साथ फिर चैट जीबीट जैसे टूल ए की बात जब होती है मशीन लर्निंग की बात होती है तो वो और डर जाते हैं मास हायरिंग जैसे टी हो गया माइंड्री हो गया बिरला स्विफ्ट हो गया ऐसी कंपनीज मास हायरिंग करती है ये स्टॉप्ड है अभी मतलब कंपनी विजिट ही नहीं कर रही कॉलेज में तो जो फ्रेशर है अभी दो आ गए आगे तेईस के मिट से रिसेशन ऑफ की बात होने लग गई इतने इससे पहले आपको याद होगा डेढ़ साल पहले तीन सौ परसेंट हाई हाई राइट अब वो सब चीज़ें एकदम स्टॉप सो अभी जो बच्चे हैं वो अब कुछ ना मास हायरिंग हो रही है Companies नहीं आ रही है है तो कैसे एक अपना बनाए आपको क्या लगता है कि कितना टाइम और जिससे चीजें और बेटर हायरिंग ज्यादा होगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगता है जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है जैसे अभी मेरा छह साल का एक्सपीरियंस हो गया है अभी मैं तीस साल को सो थर्टी थ्री थर्टी फाइव फोर्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ तीन साल एक्सपीरियंस चार साल एक्सपीरियंस एक सर्टिन एक्सपीरियंस के बाद कंपनी का माइंडसेट क्या रहता है? बट अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप पांच साल पहले जो कर रहे थे उसी तरीके से काम करना चाह रहे हो तो आपकी नौकरी जाएगी तो अगर आप, हैं या फिर आप हैं जिनको शायद ऑफर लेटर ही नहीं आया हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो जो प्ले ऑफ हो गए हों तो एक चीज हमेशा याद रखी स्वागत है जी आपका हमारे नए स्टूडियो में आज हमारे साथ जो गेस्ट है इनका दस साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है अभी जो आपके माइंड में सवाल चल रहे हैं हायरिंग कब स्टार्ट होगी रिसेशन ले कब ख़त्म होगा भैया मेरा दो में ऑफर लेटर आ गया था अभी तक मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली है चैट जी बी क्या मेरी जॉब ले लेगा ए कितना इम्पैक्टफुल रहेगा क्या ए वेब डेवलपमेंट की जॉब को ख़त्म कर देगा आज के पॉडकास्ट में हमने सारे सवाल श्रुति से पूछे हैं और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली आंसर दिया इन सब सवाल का और आप बहुत कुछ सीखेंगे आपको एक माइंडसेट समझ आएगा कि ऐसी सब सिचुएशन होती है तो क्या आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए राइट सो चलिए बात करते हैं श्रुति से जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी और इनका एक्सपीरियंस और मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले एंड इस पॉडकास्ट को बस आप पूरा देखना एंड मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट तक आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे तो करना कुछ नहीं है वीडियो को पूरा देखना वीडियो को लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा लाइक एम एस टेन थाउजेंड कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शेयर करना और नए और सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेलाइकन चलिए बात करते हैं श्रुति से जानते हैं कि कंप्लीट जर्नी और उसके साथ साथ जो मैंने सवाल पूछे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे चलिए बात करते हैं श्रुति के साथ सो श्रुति स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड हमारा नया स्टूडियो एंड आप फर्स्ट गेस्ट हैं एंड थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है आपका स्टूडियो थैंक यू सो मच सो आज हम आपसे जानेंगे बहुत सारे सेगमेंट्स पे बात करूँगा आपका एक्सपीरियंस हम यूज़ करेंगे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अभी जैसे रिसेशन है ले ऑफ़ है बहुत सारे बच्चों को ऑफ़र नहीं आ रहा है राइट एंड कईयों को मेल चला गया दो में अभी तक पता ही नहीं है कि वहाँ अब वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे मतलब स्किल्स स्किल्स हैं मार्केट में बच्चों के पास भी स्किल्स हैं बट अभी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं उस सेगमेंट में बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पॉडकास्ट में तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन आपका बैकग्राउंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड प्लीज़ बताइए जी तो श्रुति है मेरा नाम मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की जैसे मैंने भी अपना इंजीनियरिंग किया सो so स्टार्ट वहीं से किया फिर उसके बाद रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है फिर उसके बाद मैंने पहले कंटेंट डेवलपमेंट से किया तो तब मैंने सोचा कि मेरा टैलेंट किस में है मेरा इंक्लीनेशन किस में है फिर लगा कि बात करने में अच्छा लगता है लिटरेचर पसंद है तो फिर मैंने सोचा कि कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं फिर वहाँ से स्टार्ट की फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं अलग अलग तरीके के कॉन्टेंट पर काम कर रही थी कि स्किलिंग और एजुकेशन रिलेटेड कॉन्टेंट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर उसमें स्पेशलाइजेशन बनाया ट्रेनिंग किया खुद ट्रेनर बनी बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स किए फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई तो उस दौरान मुझे समझ में आने लगा कि स्किल गैप क्या होता है बहुत सारे कंपनीज़ के साथ बात की उन्होंने भी बताया कि कॉलेज से ये टैलेंट लेके आते हैं बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है तो ये गैप होता है बीच में तो उस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा जैसे कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे कौन कौन सी कंपनीज रही जिनसे आपने बात करी और क्या इनपुट वहाँ से मिला बहुत सारे कंपनीज जैसे आई टी कंपनी से आप आ, कुछ भी ले लो ना कि चार साल के इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं जो स्किल वो पढ़ के निकलते हैं तब तक वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या फिर वो वर्जन आउटडेट हो जाता है और स्टूडेंट्स अपस्किल नहीं करते हैं ख़ुद को वो वर्जन पे तो जब वो कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या फिर कैंपस के बाद भी जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो इंडस्ट्री को जिस लेवल का टैलेंट चाहिए उसमें थोड़ा गैप रह जाता है तो वो कंटिन्यूस अपस्किल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कीप अप नहीं कर पाता है उतना लेकिन एडवांटेज ये है कि आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि स्टूडेंट्स कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं मतलब वर्ल्ड वाइड से कहीं भी कोर्सेज एक्सेस uh, कर सकते हैं तो वो होता है स्किल गैप दूसरा आप अगर नॉन टेक्निकल साइड में देखो तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए कॉलेज uh, में तो चल जाता है बट कंपनी में जब आप एक टीम के साथ काम करते हो तो टीम डायनमिक्स कैसे होने चाहिए मतलब अगर बेसिक एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका टेक्निक क्या होता है तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो सीख के नहीं आते हैं लोग तो वो होते हैं स्किल गैप्स बहुत सारे माइंड सेट एटीट्यूड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं समटाइम यू आर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बट सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जो क्लाइंट है मे बी आप हिंदी में कंफर्टेबल हो बट वो इंग्लिश जानता है तो वहाँ पे टेक्निकल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी उतने अच्छे होने जरूरी है बहुत जरूरी होता है इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे मेजोरिटी रिजेक्शन सॉफ्ट स्किल्स पे होते हैं क्योंकि एस्पेशली uh, फ्रेशर्स की अगर बात करें तो कंपनीज बोलते हैं कि फ्रेशर्स से वो लोग एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कंपनीज बोलते कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो क्योंकि हर फ्रेशर को एक ट्रेनिंग फेज uh, uh, करना पड़ता है ना आफ्टर दे जॉइन द कंपनी तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मतलब बहुत एक्सपर्टीज लेके आएंगे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए

मास हायरिंग जैसे टी सी एस हो गया माइंड्री हो गया बिरला स्विफ्ट हो गया ऐसी कंपनीज़ मास हायरिंग करती है ये स्टॉप्ड है अभी मतलब कंपनी विजिट ही नहीं कर रही कॉलेज में तो जो फ्रेशर है अभी दो हज़ार चौबीस आ गए है तेईस के मिड से रिसेशन ली ऑफ़ की बात होने लग गई इतने इससे पहले आपको याद होगा डेढ़ साल पहले तीन सौ परसेंट हाइक चार सौ परसेंट हाई राइट हाँ, अब वो सब चीज़ें एकदम स्टॉप्ड है सो अभी जो बच्चे हैं वो अब कुछ ना मास हायरिंग हो रही है कंपनीज़ नहीं आ रही हैं तो वो कैसे एक माइंड सेट अपना बनाए क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा डिमोटिवेट तो होगा और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है अब क्या करें यार एक टाइम पे एट एंड हम क्या है हम सब इंसान हैं कहीं ना कहीं तो फटेंगे यार अब क्या करें जी मैं मोटिवेट करने वाली एक बात बताती हूँ आप पिछले सौ साल में देखो कम से कम बारह से पंद्रह रिसेशन हुए हैं ये ना पहला वाला रिसेसन है ना आखिरी वाला होने वाला है आगे भी आएंगे तो रिसेशन जो है ग्लोबल फिनमिननल है और आप नाइनटीन नॉट सेवन में हुआ फिर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में हुआ फिर फिफ्टीज़ में हुआ सिक्सटीज़ में हुआ मोस्ट रिसेंट इससे पहले टू थाउजेंड एट में हुआ उससे पहले टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन में अगर वो एज के कोई हैं तो यू नो वाई टू के बर्ग के बारे में बात कर रहे थे यू you नो know, वो सब हो रहा था तो रिसेशन एक वन टाइम फिन नहीं है तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिसेशन मैक्सिमम एक साल से ज़्यादा नहीं टिक एक साल के बाद जो मार्केट जब रिवाइव होता है क्योंकि इतने सारे कंपनीज हैं उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और रिसेशन के रीजंस भी बहुत होते हैं मतलब कहीं जंग छिड़ गई तो पूरे दुनिया में रिसेशन हो गया या फिर कहीं सुनामी आ गई या फिर पैंडमिक आ गया तो बिजनेस डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं जो इफेक्ट होते हैं तो ये इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है और रिवाइव भी होता है उसके बाद तो इसको मतलब डीमोटिवेट करने वाला सिचुएशन नहीं समझना चाहिए ऐसा समझना चाहिए कि मतलब यू नो रीसेट हो रहा है इकॉनॉमी और जब वापस आएगा रिवाइव होगा तो और स्ट्रोंगर आएगा आप, आप हिस्ट्री में भी देखिए एवरी टाइम रिसेशन के बाद रिबाउंड हुआ है तो बहुत स्ट्रॉगर वे में हुआ है ज़्यादा जॉब्स ओपन अप हुए हैं ज्यादा वैराइटीज ऑफ जॉब्स ओपन अप हुए हैं डाइवर्सिटी बढ़ी है तो ज्यादा लोगों के हायरिंग के चांस है तो ये दौरान इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड उनको अपने को तैयार करना चाहिए कि जब मार्केट खुलेगा तब हम कैसे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप कर सके तो अगर वो माइंड से चले तो डीमोटिवेट तो होंगे नहीं और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे कि सीखना है और ओके सो यार एक चीज़ समझ आ रही है श्रुति से मुझे कि लाइक like, ठीक है अभी टाइम आपका शायद नहीं है बट अगर आपके पास स्किल्स हैं तो राइट टाइम जब आएगा वो स्किल्स वहाँ यूज हो रहे होंगे वहीं कहीं ना वही कहीं नहीं 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 आपको हेल्प करेंगे वहीं कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देंगे एक जॉब क्रैक करने के लिए जी और एक चीज़ भी होती है आपने सर्विस कंपनीज की बात की हर सर्विस कंपनी में एक बेंच स्ट्रेंथ होता है बेंच स्ट्रेंथ मतलब वो लोग अभी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय नहीं हुए होते हैं बट उनको तैयार किया जाता है कि कल के दिन कोई प्रोजेक्ट आ जाए या फिर इनफैक्ट पिछले तीन तीन साल पहले शायद एट्रेशन इतना बढ़िया था मार्केट में यू नो हर कंपनी मतलब ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी तक एट्रेशन जा रहा था तो स्पेशली सर्विस कंपनीज में जब एट्रिशन इतना होता है तो वो लोग एक बेंच स्ट्रेंथ रखते हैं कि, कि किसी ने सडनली जॉब से रिजाइन कर दिया तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए वो टाइम पे वो लोग हायरिंग नहीं कर सकते हैं तो अभी ये पैंडमिक वगैरह होने के बाद एट्रेशन भी थोड़ा कम हुआ है उसकी वजह से बेंच स्ट्रेंथ भी वो लोग थोड़ा घटा रहे तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट का डिमांड नहीं है टैलेंट का डिमांड हमेशा रहेगा लेकिन कंपनीज का क्राइटेरिया जो है हायर करने का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो फ्रेशर्स को उसकी भी समझ होनी चाहिए कि पिछले पाँच साल पहले जो जैसा प्रिपरेशन हो रहा था वैसे करेंगे तो अभी नहीं चलेगा आज के हिसाब से करना पड़ेगा उनको राइट right. आपको जैसे इतना एक्सपीरियंस है आपने अलग अलग लोगों से बात करी है कंपनी से बात करी है जब आप किसी फ्रेशर को देखते हो आपको लगता है कि आई थिंक जब वो एक इनिशियल टाइम होता है थोड़ा सा वो थोड़ी मिच्योरिटी रहती है पता नहीं होता चीज़ों के बारे में तो जल्दबाजी ज़्यादा रहती है थोड़ा पेशेंस नहीं होते जी <laughs> तो ये चीज़ में आप क्या उनको आप एक एडवाइस देना चाहोगे ठीक है अभी टाइम ऐसा है बट तुम हैं तुम्हारे पास, तुम बेटर कर, कर एक मिले बट करो क्योंकि वो आपको एक बहुत बड़ा एज देगा मार्केट में कॉम्पिटिशन में वे कम्पेयर टू लोगों ने जिन्होंने इंटर्नशिप uh, जिन नहीं किए हैं अगर आपने तीन महीने का भी इंटर्नशिप कर लिया भले ही फ्री हो तो उसका वैल्यू बहुत दिखेगा आपके रेज्यूमे में क्योंकि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है आप कितने भी प्रोजेक्ट्स में काम करो वो रियल एक्सपीरियंस अलग होता है right. तो जितने भी और और आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं तो शॉर्ट शॉर्ट स्टेंस ही क्यों ना रहने दें उनको ज्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप करना चाहिए दैट इज़ पॉइंट नंबर वन सेकेंड इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको जानना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए उनको कि आजकल चल क्या रहा है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक इज लिंगडिन लिंगडेन में जाके ना इतने सारे जे रोज रोज कंपनीज लगाते रहते हैं तो उनको जेडीज पढ़ने चाहिए तब जेडीज में उनको समझ आएगा कि अच्छा ये स्किल्स अभी डिमांड में है क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से जाके बात करना तो मुश्किल है फ्रेशर्स के लिए right. बट कंपनीज आगे से आके जब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल कर रहे हैं लिंगडिन जैसे प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे जाके रिसर्च करना चाहिए कि क्या ओपन अप होने वाला है कहाँ पे जॉब्स ओपन अप होने वाले हैं और उस लाइन पे अगर वो लोग अलाइन रहेंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी उनके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ श्रुति जब भी मैं वीडियोस में बात करता हूँ LinkedIn... इज इक्वल रिज्यूमर राइट इट शो showcases योर वर्क आपकी प्रोफाइल जो है वो किसी भी थर्ड पर्सन को बता रही है आप क्या है करेक्ट आप डेटा साइंस में है फ्रंट एंड डेवलपर है बैक एंड डेवलपर it इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो वहाँ अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर कल को दोबारा डिसशन आता है आपका नेटवर्क अच्छा है तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं करेक्ट सही बात की इनफैक्ट हायरिंग uh, भी ना आई थिंक सेवेंटी एटी परसेंटेज ऑफ जॉब्स इंटरनली क्लोज हो जाते हैं

क्योंकि आपका पूरा एक्टिविटी का लॉग रहता है आप कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो कैसे पोस्ट पे लाइक कर रहे हो कैसे पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो अगर आपने मतलब कुछ स्कैंडलस चल रहा है वहाँ पे जाके कुछ उसको यू you नो know, उसके फॉर अगर कमेंट कर दिया तो शायद वो आपके प्रोफाइल में नेगेटिव रिफ्लेक्ट होएगा तो आपके एक्चुअल इंटरेस्ट जो हैं वो सब देखता है वहाँ पर तो इनफैक्ट मतलब हम लोग उतना सीरियस नहीं नहीं लेते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को बट सीरियसली लेना चाहिए

कैसे कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में uh, कौन सा लोकेशन यूज़ करना चाहिए मतलब अगर आप किसी टीयर थ्री या टीयर फोर सिटी से हैं या किसी गांव से हैं और आपने लिंकडन प्रोफाइल में वो वो जगह का नाम डाला

आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी 2024 स्टार्ट हो गया है इवन मेरा ऐसा मानना है कि हायरिंग तो अभी भी चल रही है कम है कंपेरेटिवली बट चल रही है आपको लग आपको क्या लगता है कि कितना टाइम और जिससे चीजें और बेटर हायरिंग ज्यादा होगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जी तो आप देखोगे पिछले तीन महीने में मतलब पिछले मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ ये ईयर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर वॉज द स्ट्रॉगेस्ट इन द यू एस इकोनॉमी द लास्ट टू ईयर्स मतलब रिवाइव हो रहा है मार्केट ओके। ग्लोबल लेवल पे यूएस का सबसे मतलब यूरोप का उतना नहीं है यूरोप इज डाउन बट यूएस बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव हो रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय मार्च अप्रैल डेफिनेटली रिवाइव होगा मतलब ये बुक क्लोज जो होगी हमारी देन फर्स्ट अप्रैल से जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो चीजें बी मच अभी ऑलरेडी दिख रहा है मतलब पिछले एक साल में ओडन स्कूल नहीं जनरेट किए थे ओके okay. तो ऐसे नीच एरिया हो रहे हैं हायरिंग हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि हायरिंग रुका हुआ है बट यू एस बेस्ड डेफिनेटली ओपन अप कर रहे हैं जब हम लोग कंपनी से बात भी करते तो बोलते हैं कि एक क्वार्टर मैं भी यही कहता हूँ कि अब कंपनी में तो बिजनेस बनाना है उनको भी पैसा बनाना है इंजीनियर्स चाहिए ये थोड़ी यही चलता रहेगा नहीं नहीं हायरिंग रुकने वाला नहीं है बट वो तरीका चेंज होएगा होगा चेंज yeah. होंगे तो हमको अलाइन करना पड़ेगा बट एक्सपीरियंस वाला जो एक्सपीरियंस लोग थो थो थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को बट जो वो फ्रेशर्स डर जाते हैं एंड डरने के साथ साथ फिर चैट जीबी जैसे टूल ए की बात जब होती है मशीन लर्निंग की बात होती है तो वो और डर जाते हैं हमारी जो अब तो हमने जो स्किल्स सीखा है मैं तो चैट जी से कोड करवा लूंगा सो so, आपका इसमें क्या पॉइंट है उनको आप क्या एडवाइस करोगे जो अभी लोग हमें देख रहे हैं कि हाँ। चैट जी अभी मैं रील स्क्रॉल करता हूँ वहाँ पे आ, टूल की हेल्प से मैं कैप्शन जनरेट कर रहा हूँ और सारा काम ऑटोमेट हो गया है so, तो क्या अब मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है जॉब में लगता है आपको कि इंजीनियर्स चाहिए हमें डेफिनेटली इंजीनियर्स चाहिए होंगे um, जो जॉब्स अफेक्ट होंगे वो जो मंडेन जॉब्स होंगे ना जिसमें ज्यादा माइंड पावर नहीं लगता है जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वैसे जॉब्स डेफिनेटली जाएंगे यू मीन कंटेंट 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 जॉब जॉब जो लिखने वाली देखिए चैट जीपीटी टी को ही ले लीजिए आप चैट जीपीटी आपको कंटेंट तभी देगा जब आप उसको सही तरह का प्रॉम्प्ट दोगे तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन राइटिंग कॉन्टेंट आप अपना प्रॉम्प्ट देने का तरीका रिफाइन कीजिए तो आपको इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी आपका कॉम्पिटिशन नहीं बनेगा तब आपका एक टूल बन जाएगा जिसकी यूज से आप डबल कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो या ट्रिपल कंटेंट ट्रिपल अमाउंट ऑफ कंटेंट अगर आप दिन में पाँच ही आर्टिकल लिख सकते थे तो अभी पंद्रह लिख पाओगे क्योंकि आपको सिर्फ ये रिफाइन करना है कि कैसे इंस्ट्रक्शन देना है चाय जी को और चाय जी फर्स्ट टाइम में फाइनल ड्राफ्ट नहीं देती है उसको रिफाइन करना पड़ता yeah, है right. तो दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन की ही है अभी शायद मतलब पाँच दस साल के बाद मशीन शायद उतना सोच पाएगी बट अभी तो ह्यूमन इंटरवेंशन डेफिनेटली रहेगा ना राइट right. और और एक चीज़ भी है कि कोई भी कंटेंट आपने कंटेंट की बात की कंटेंट भी अगर लिखना है तो पहले ऑडियंस की समझ होनी चाहिए मार्केट सर्वे होना चाहिए आप, आप इतना सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाते हो आपका कॉन्टेंट इसीलिए चलता है क्योंकि आपको पता है आपके ऑडियंस को क्या चाहिए तो दैट काइंड ऑफ सर्वे वगैरह करने के लिए तो ह्यूमन इंटरवेंशन डेफिनेटली लगेगा इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर बट अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हो अगर आप पाँच पांच साल पहले जो कर रहे थे वो उसी तरीके से काम करना चाह रहे हो तो आपकी नौकरी जाएगी तो वो याद रखना पड़ेगा सबको कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलेगा अभी कॉम्पिटिशन बहुत गया है आ, क्योंकि आप अगर अपस्किल नहीं कर रहे हो तो आप दस लोग और हैं जो कर रहे हैं yeah. तो उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा तो चैट जीपीटी थ्रेट नहीं है चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है मतलब जनरेटिव है कि इतने सारे टूल्स हैं

कैलकुलेटर्स uh, का इन्वेंशन हुआ था तो लोगों ने सोचा कि अभी अकाउंटेंट्स का जॉब गया कैलकुलेटर कर लेगा सब कुछ उससे पहले जब मशीन्स बने थे तो लोगों ने सोचा कि अभी फैक्ट्रियों में लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रोबोट्स कर लेंगे मशीन कर लेंगे बट आज भी इंडिया में ही देख लो मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट तो उसी इंडस्ट्री में है मैनुफैक्चरिंग में हो या ऐसी चीजों में हो तो ह्यूमन जॉब डेफिनेटली नहीं होंगे बट देन आपको ये सीखना होगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करें खुद को इम्प्रूव करने के लिए तो वो स्किल अगर आप में आ जाए तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी इवन hmm. uh, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूँगा जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वहाँ पे बहुत सारे रूल्स आते हैं है ना फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंदर इट्सल्फ फ्रंट एंड है बैक एंड है फुल स्टैक है और डेटा uh, साइंस अभी बहुत यू नो बूम कर रहा है एंड देर आर लेयर्स राइट डेटा साइंस के अंदर वी हैव डेटा एनालिस डेटा इंजीनियरिंग इवन कुछ कंपनीज uh, के अंदर आपको एक रोल मिलता है बिजनेस एनालिस्ट सो आपको क्या लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपका जानना चाहूंगा अंडरस्टैंडिंग डेटा के बारे में एक कंपनी hmm. डेटा को कैसे दिखती है एक कंपनी के लिए डेटा इज गोल्ड अगर गोल्ड से भी ज़्यादा कुछ प्रेशर्स है तो वो है मतलब मुझे तो ये लगता है कि मतलब मैंने पढ़ा भी था कहीं कि फ्यूचर में जो भी वर्ल्ड वॉर्स वगैरह होंगे वो ऑयल के लिए नहीं होने वाले वो डेटा के लिए होने वाले हैं क्योंकि डेटा को यूज़ करके आप द प पर्सन हु हैज डेटा इज द मोस्ट पावरफुल अभी और हर एक बिजनेस भी डेटा को यूज़ कर रहा है क्योंकि हिस्ट्री में कभी भी इतना डेटा अवेलेबल नहीं था जहाँ जितना अभी है इवन चैट जीबी चैट जीबी डेटा पे ट्रेन है जो एग्जैक्टली exactly, मतलब खुद डेटा तो जेनरेट नहीं कर रही है ना उसको डेटा yeah. फीड किया हुआ है right. अभी शायद एक्सटेंड किया गया है उनको तो जो डेटा आप मशीन को दे दोगे वही डेटा एनालिज करेगी वो वो खुद से तो डेटा प्रोड्यूस करने वाली नहीं है तो डेटा इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इसका मेन रीज़न ये है कि बिज़नेस में डिसीशन्स बनाने होते हैं और उसी डिसीशन पे बेसिस पे उनका सक्सेस या फेलियर डिसाइड होता है तो डिसीशन कैसे बनाया जाए अगर आपके पास डेटा है प्रूफ है फैक्ट्स हैं एनालाइज करके डिसीजन बनाने के लिए तो डेफिनेटली आपके डिसीजन बेटर होंगे रिस्क टेकिंग किसी भी बिज़नेस में होती है बिजनेस का मतलब विदाउट रिस्क तो बिजनेस होता नहीं है बट ये कैलकुलेटेड रिस्क की जो बात करते हैं कि हिस्ट्री पिछले दस साल से ये ट्रेंड है तो इसके बेसिस पे अगर ये करेंगे तो सक्सीड होगा तो दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो डेटा दे सकता है आपको इसीलिए आप देखोगे कि पिछले आप रिसेशन जॉब लॉस की बात कर रहे थे जितने जॉब्स गए उसमें लीस्ट जॉब्स गए डेटा लोगों के क्योंकि कंपनीज को चाहिए वो अभी पहले ही स्ट्रेन में है उसके ऊपर से गलत डिसीजन तो बनाने नहीं चाहेगा कोई तो प्रडिक्शंस ट्रेंड्स जो हैं इसीलिए डिमांड बढ़ रहा है डेटा साइंस का मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे इवन आप डेटा की बात हो ही रही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जब एक कंपनी बिकती है तो कंपनी नहीं बिकती उसका डेटा बिकता है करेक्ट सही बात नहीं अब मेरे एक पॉइंट ये है कि जैसे मैं अभी अरडा में काम कर रहा हूँ अभी इंडियन टीम को हमने स्पॉन्सर भी किया है एंड ऐसे और भी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं नेटफ्लिक्स है और माइक्रोसॉफ्ट है ये आप मैं आपसे एक यूज़ के समझना चाहता हूँ थ्रू डेटा साइंस की ये ये कैसे डेटा साइंस यूज़ कर रहे हैं um, Amazon तो यूज़ किया होगा आपने हाँ जी शॉपिंग के लिए सब लोग करते हैं बिल्कुल uh, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया तो पिछले तो अगले आप एक महीने में आप गूगल ओपन करो आपको वही रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एड्स दिखेंगे नॉट ओनली दैट अगर आप शॉपिंग अगर अभी पिछले एक हफ़्ते या दस दिन में आपने शॉपिंग ना भी की हो तो आपके पिछले महीने के डेटा को लेके आपको सिर्फ वही टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाएगा तो इसको बोलते हैं यू नो रिकमेंडेशन इंजन होता है एक मतलब आपके शॉपिंग हिस्ट्री को समझ के वो गेस करेगा कि अगर आपने एक मोबाइल uh, फोन खरीदा है तो मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज में भी शायद आपको इंटरेस्ट हो सकता है आपने अगर कपड़े खरीदे तो शायद जूते में भी इंटरेस्ट हो सकता है तो आपके पूरे ट्रेंड्स को डेटा कलेक्ट करके वो गेस करता है कि दिस माइट बी योर इंटरेस्ट एंड वो आपको अटैम्प्ट करेगा ये पूरे प्रोडक्ट्स दिखा के तो अगर आप पहली बार देखोगे तो सोचोगे कि ठीक है रहने दो तो पैसे नहीं खर्च करने अभी बट वही अगर आप दस बार 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 आपको बार बार दिखते रहेगा तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अटैम्प्ट हो जाते हैं और दसवीं बार शायद शॉपिंग कर लें खरीद लें वो प्रोडक्ट मतलब कंपनी के हिसाब से तो उनका सेल बढ़ रहा है तो दिस इज़ वन रिकमेंडेशन इंजन आप यही पैटर्न देखोगे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर भी नेटफ्लिक्स हो जाए अमेजोन हो जाए अगर आप ज़्यादा क्राइम थ्रिलर्स देख रहे हो तो आपको ज्यादा फर्स्ट बार में आपको यू माइट बी इंटरेस्टेड इन करके वही टाइप के ज़्यादा टीवी शोज या वेब सीरीज या मूवीज दिखाएगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद ऐसा हो सकता है आपको वैसे रील्स दिखे एग्जैक्टली exactly, <laughs> मतलब मुझे तो डर लगता है कभी कभी मुझे याद भी नहीं है मैंने कब

आप शायद ट्विटर पे जा रहे हो या किसी के बारे में किसी को लाइक कर रहे हो या आप किसी भी इंस्टाग्राम चैनल या कुछ भी हो आपका सेंटिमेंट समझता है एल्गोरिथम कि अब रिसेंट इलेक्शंस हुए थे साउथ में तेलंगाना में आंध्रा में इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे भी सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत यूज हुआ था मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का सेंटिमेंट कैसा है टूवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो भी वो पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट है सोशल मीडिया पे उसके साथ इंटरेक्शन कैसा हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो डेटा अगर मैं किसी पॉलिटिशियन पे लाइक like कर रही हूँ या फिर उसके एक्टिविटीज़ पे कमेंट कर रही हूँ तो द अलगोरथम आइडेंटिफाई करता है कि आई एम प्रो दैट पॉलिटिशियन या मैं उसको सपोर्ट करती हूँ तो वो डेटा यूज़ करके उन वो मैनिफेस्टोज uh, बनाया जाता है उनके पूरे इलेक्शन कैम्पेन्स प्लान किए जाते हैं कि ये एरिया में इसकी इस चीज़ इस के बारे में बात करनी है वो एरिया में उस चीज़ के बारे में बात करनी है कौन से एज ग्रुप के लोग हमारे सपोर्ट में हैं कौन से एज ग्रुप के यू नो जहाँ पर थोड़ा और काम करना है हमें तो ये सब डेटा साइंस के बेसिस पे ही है डेटा एनालिटिक्स बेसिस पे ही है और सबसे अच्छी बात है मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब डेटा हम खुद देते हैं उनको ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं से खरीद रहे हैं हम लोग मतलब ओपन प्लेटफॉर्म yeah. पे अनाउंस करते हैं हमारे सेंटिमेंट्स या हमारे शॉपिंग प्रेफरेंसेस तो इतना सारा डेटा हम खुद देते हैं और मतलब राइट्स देते हैं उनको कि आप यूज कर लो हमारा डेटा बहुत मतलब हम समझते नहीं हैं कि मतलब कैसे होता है बट हाँ तो डेटा अवेलेबल है तो डेफिनेटली यूज़ होगा और अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है ऐसे नहीं है कि नेगेटिव चीज़ है अच्छी चीज़ों के लिए भी बहुत यूज़ हो रहा है डेटा आपको लगता है जैसे 2024 अब 25 भी आएगा 26 भी आएगा टाइम बढ़ेगा आगे और नो डाउट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा अकॉर्डिंगली आई बिंग अ सॉफ्टवर इंजीनियर मुझे भी अगर कुछ सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा नहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है डेटा फील्ड की बात करते हैं टेक्नोलॉजीज चेंज हो um, यूज होते हैं वो चेंज हो बट डेटा कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि डेटा जो रेट ऑफ प्रोडक्शन डेटा है वो इंक्रीज ही हो रहा है रेड्यूज नहीं हो रहा है मतलब पिछले सौ साल में जितना डेटा प्रोड्यूस नहीं हुआ था वो पिछले एक से दो साल में हुआ क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे हैं सब लोग मोबाइल फ़ोन्स पे हैं तो डेटा बहुत है तो जैसे पहले भी हमने बात की कि डेटा इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर कंपनीज़ जब उनके पास वो ताकत है तो उसको क्यों यूज़ नहीं करेंगे वो लोग तो आम, और एक चीज़ है कि द फ्यूचर इज़ ए आई हर एक चीज़ में यूज़ हो रहा है तो ए का एल्गोरिथम काम कैसे करता है डेटा पे करता है अगर आप उसको गलत डेटा फीड करोगे तो वो सही प्रोडिक्शन नहीं कर पाएगा सही एक्शन नहीं ले पाएगा आम, तो इसीलिए अलगोरतम में फीड करने से पहले वो डेटा को क्लीन करना चाहिए वो क्लीन डेटा को मतलब एक फॉर्मेट में सेट करना होता है उसको मैनिपुलेट करना होता है उसको थोड़ा वर्क uh, करना होता है डेटा को पहले उसके बाद अलगोरतम में फीड होता है तो इतने सारे स्टेजेस हैं बिफोर द ए आई एक्चुअली यूज दैट डेटा तो ये सब अभी ऑटोमेट नहीं हुआ है ह्यूमन इंटरवेंशन की ही जरूरत है और इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है जैसे डेटा बेसिस पाइथन लैंग्वेज हो जाए या फिर टूल्स um, होते हैं है। है। क्योंकि सबको नंबर समझ में नहीं आते थोड़े लोगों को इट इज ईजियर अगर मैं एक मैथमेटिक्स या साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ मुझे उतना समझ नहीं है नंबर्स का तो मैं अगर वही वही डेटा एक ग्राफ के फॉर्म में देखूंगी तो मुझे जल्दी समझ आएगा ट्रेंड्स और पैटर्न तो विजुअलाइजेशन एक अलग लाइन ऑफ वर्क है तो डेटा के अंदर ही इतने सारे जॉब uh, रोल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये बढ़ेंगे बट uh, ऐसा नहीं है कि आज आप एक लैंग्वेज सीख लो और समझो कि बस मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया क्योंकि डेटा साइंस का फ्यूचर अच्छा है ऐसा नहीं है आपको कंटिन्यूसली विद इन डेटा साइंस भी अपस्किल करते रहना पड़ेगा बट डेटा एज अ डोमेन इज हियर टू स्टे दैट इज़ नॉट गोइंग एनी बहुत सारे इंसाइट्स आपसे मिल रहे हैं एक माइंड समझ आ रहा है एंड जब मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं बट मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा मैं हमेशा पूछता हूँ आपको लगता है जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है जैसे अभी मेरा छः साल का एक्सपीरियंस हो गया है अभी मैं तीस साल का हूँ एग्ज़ाम्पल हूँ वैसे तीस साल का एग्ज़ाम्पल क्या देना सो थर्टी थ्री थर्टी फाइव फोर्टी रिस्पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ कंपनीज़ का माइंड चेंज होता है सीनियर डेवलपर के Uh, मतलब एक की फ्रेशर जो देता है या फिर तीन साल एक्सपीरियंस चार साल एक्सपीरियंस एक सर्टिन एक्सपीरियंस के बाद कंपनी का माइंड क्या रहता है एक सीनियर डेवलपर के लिए तो um, दो तीन चीज़ें हैं इसमें एक तो डेफिनेटली आपका तो फ्रेशर में क्या होता है ना फ्रेशर का एक स्पेशलाइजेशन नहीं होता है फ्रेशर इज लाइक अ जनरलिस्ट कंपनी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप एक स्पेशलाइजेशन के साथ आओ आपको अलग अलग आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप स्टार्ट किए थे तो अलग अलग रोल्स में डाला होगा आपको या जो एग्जैक्टली exactly आप काम अभी कर रहे हो वो शायद छः साल पहले नहीं कर रहे थे आप व्हेन आई आई जॉइन वाज वर्किंग एज अ शैडो किसी के अंडर काम कर exactly, रहे एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly. क्योंकि कंपनीज को भी थोड़ा टाइम लगता है आपका एप्टीट्यूड समझने में आपका टैलेंट समझने में फिर जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हो तो आपका एक स्पेशलाइजेशन बनता है तो इट्स ऑफ अ वाइड स्टैक ऑफ एक्सपर्टीज आपका डेप्थ बढ़ता जाता है तो छः साल हो जाए दस साल हो जाए इसलिए आप देखोगे कि जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो एक एरिया में स्पेशलाइज़ होता है ना कि दस चीज़ें उसको पता होती हैं सब कुछ बट उसका स्पेशलाइजेशन होता है एक एरिया में तो वो अम, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर अब आपके फ्रेशर्स के जो भी ऑडियंस हैं उनको ये भी अ, ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे वो काम करते जाए उनको अपना खुद का स्पेशलाइजेशन का एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि वो उनका स्ट्रेंथ बनेगा राइट right. वो एरिया में आप रिप्लेस नहीं हो सकते अगर आप फिर भी पाँच साल के बाद भी जर्नलिस्ट हो तो आप रिप्लेस हो जाओगे किससे रिप्लेस होगे जो स्पेशलिस्ट है वो आपको आके रिप्लेस कर देगा तो वो स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे बनाना बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ सीनियर डेवलपर्स के लिए होती है कि मैंने खुद देखा है अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में भी कि मैक्सिमम ट्रेनिंग जो हमें बुलाया जाता है करने के लिए वो होता है नॉन टेक्निकल स्किल्स पे मतलब टेक्नोलॉजी पे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन टीम मैनेज करनी नहीं आती उनको सबॉर्डिनेंस um, उनके जो टीम मेट्स होते हैं उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया टीम में तो वो रिजॉल्व करना नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एनर्जी टेक्नोलॉजी सीखने में लगा दिया तो ये बाकी के जो पीपल uh, स्किल्स बोलते हैं उसमें थोड़े पीछे रह जाते हैं तो ऐसी चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है और कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप एक लेवल पे जाओ तो आपको खुद हर एक चीज़ कोड नहीं करनी पड़ती है आपका right. एक टीम दिया जाता है आपको right. आपको काम निकलवाना होता है कि एक टीम को ठीक से मैनेज कैसे कर पाए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट uh, होता है ना कि आपका गोल है कि प्रोजेक्ट का एक आउटकम होना चाहिए डेलीवरेबल्स होने चाहिए तो उसके लिए आप रिसोर्स कैसे मैनेज कर रहे हो आपको खुद बैठ के हर एक चीज नहीं करनी पड़ती है जैसे आप सीनियर बनते जाते हो तो ऐसे स्किल्स में चेंज होता है बट वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लिए लिए right. तो <laughs> <ने, laughs> तो। अपने काम को वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। क्योंकि वही आपके जो माइंड का डायरेक्शन है सही रखेगा वरना ये आपका पॉइंट बिल्कुल राइट right है फिर तो जो बेटर कर रहा होगा जो बेटर स्किल सीख रहा होगा फिर चाहे कोई सीनियर है और कोई जूनियर है क्योंकि आजकल ऐसा मैंने देखा है जो गैप मैंने देखा है कोई तीन साल बहुत बेटर है उसने अपना को बहुत अच्छा कर रखा है छह साल वाला है मे तो बी या वो कर रहा है बस। और एक चीज जो हमने देखी है आ, हमारे कंपनी में, भी, और में भी ये ट्रेंड देखा है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं वो एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं क्योंकि वो खुद जाके उनके उनके ही वर्क में अप्लाई करना चाहते हैं उसको वो उनको प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में ज़्यादा हेल्प करता है डिसीशंस बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है उनके क्लाइंट इंटरेक्शन इंटरैक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है तो ऐसी चीज़ें जो कोर आपके टेक्नोलॉजी से शायद रिलेटेड ना हो बट जो आपको प्रोजेक्ट मैनेज करने में और ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हो उसमें डेटा एनालिटिक्स एक चीज़ है दूसरी चीज़ मैंने देखी है इस हाल इस बीच में हाउ डू यू यूज जेनेटिव ए टू मैनेज थिंग्स तो ऐसे दो तीन एरियाज़ हैं कॉमन एरियाज जो मिड लेवल मैनेजर्स भी सीख रहे हैं uh, वो शायद फ्रंट एंड ही हो या कुछ भी हो बट उनको उनके काम में हेल्प करता है राइट right. इवन तो मैं एज अ डेवलपर बहुत यूज करता जी चैट जीपीटी बस यस yes, अगर हम कुछ कॉपी भी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसमें हो क्या रहा है बस आंखें आंखें बंद बंद बनकर बस कॉपी कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक स्किल है क्वालिटी मैनेजमेंट होता है तो ऐसे स्किल्स होते हैं जो मिड लेवल मैनेजमेंट अगर आपको वो मैनेजर लेवल तक पहुंचना है तो ऐसे स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं तो श्रुति से हमने बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट पे और मुझे जो एक बात समझ आई कुछ बातें आपकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी मुझे बहुत अच्छी लगी आपने बहुत स्ट्रेट आंसर दिए ये है तो ये है एंड ऐसा आई थिंक समटाइम हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कुछ नहीं हमारे में कोई कमी है या कुछ पॉलिश करने की जरूरत है तो उस पर अगर हमें काम करना चाहिए एंड सेकेंड ग्रोथ माइंड बहुत जरूरी है yes. वो अगर आप रखोगे ठीक है ऐसा हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं आपको मिल नहीं रहा है जैसे अभी अभी हमने की बात करी तो श्रुति का मानना है कि एक अप्रैल से आई थिंक अप्रैल से चीजें बेटर होंगी रिज्यूम होंगी हायरिंग और ज्यादा होगी तो तब तक आप अपने स्किल्स को आप रेडी कि जब वो टाइम आएगा तो आप सबसे आगे हो हाथ खड़ा बहुत सही है मतलब कंपनीज uh, तब नहीं तब बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर ओपनिंग्स जब आएंगे आप तब अपस्किल करना स्टार्ट करोगे hmm. तो मतलब बंद हो जाएगा जब तक आप अपस्किल कर पाओगे खुद को तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अभी आप ये समझो कि थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है शायद ये डाउन टाइम आपको अगले बहुत सालों तक ना मिले right. आप तरसोगे कि भाई थोड़ा टाइम मिल जाए मैं अपस्किल कर लूं खुद को बाद में शायद ना ही मिले बट अभी है आपके पास वो टाइम यू कैन आल्सो अपना लिंक्डइन को अच्छा करो वहाँ पे अच्छा जो कंटेंट डालो अपने आप को अपस्किल करो राइट टाइम आएगा आपके पास जरूर जॉब होगी चाहे अभी आप अभी थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल है बट ऐसा नहीं है ये चलता ही रहेगा और एक चीज़ फ्रेशर्स को याद रखनी चाहिए उनके सिर्फ थियोरेटिकल स्किल्स काम में नहीं आएंगे उनको प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे खुद खुद में राइट मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कीजिए आजकल तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ग्लोबल लेवल पे कोलाब्रेशन करा सकते हैं मतलब आप ग्लोबल टीम्स के साथ कोलाबरेट करो Uh, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करो इम्प्लीमेंट करो प्रोजेक्ट्स को एक ही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को लेके मल्टीपल वेज़ में एग्जीक्यूट करो तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं तब अच्छे से समझ में आएंगी आपको और लिंकड को यूज़ कीजिए नेटवर्क बनाने में वो बहुत ज़रूरी है yeah. तो श्रुति बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू सो मच आप हमारे सेटअप पे आए एंड जल्दी आपको दोबारा बुलाएंगे किसी और टॉपिक पे हम बात ज़रूर करेंगे एंड गाइज़ मेरा ऐसा मानना है जो जो आपने कमेंट्स किए थे रिसेशन को लेके हायरिंग कब स्टार्ट होगी हम फ्रेशर हैं अभी बहुत प्रॉब्लम है हमने ट्राई किया आपको आंसर करने का इस पॉडकास्ट के थ्रू एंड श्रुति जाते जाते आपकी फ़ाइनल एडवाइस क्या रहेगी फ़ॉर फ्रेशर्स और मे बी फॉर एक्सपीरियंस पर्सन कैसे देखें आने वाले टाइम को और तीन चार बातें आपकी एक्सपीरियंस से उनको एडवाइस कर देंगे तो अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप फ्रेशर्स uh, हैं जिनको शायद ऑफर लेटर आया या कॉल लेटर नहीं आया फिर आपको ऑफर लेटर ही नहीं आया हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो जो ले ऑफ हो गए हों तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डीमोटिवेट ना हो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड ये सिर्फ एक रिसेट uh, पीरियड है बहुत जल्दी मार्केट ओपन होने वाला है आप ये टाइम यूज़ कीजिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो टाइम वेस्ट ना करें वो एक चीज़ है दूसरी चीज़ है कि आप खुद को एजुकेट करें एवरी डे आप कम से कम हाफ़ एन आवर टू वन आवर स्पेंड करें मार्केट रिसर्च करने में ये देखने में कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एवरी डे देर आर सी ऑफ कंपनीज एंड ऑल हु गिव आउट वो बोलते हैं लोगों को कि नो हमारा ये प्लान है ये प्रोजेक्शन है वो सब डेटा कलेक्ट कीजिए और समझिए कि Um, खुद को कैसे प्रिपेयर करे वो अपॉर्चुनिटीज के लिए तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड बहुत बहुत टेक्नोलॉजी ऐसे जैसे बढ़ रही है ना बहुत मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ़ गुड टाइम्स टू कम थैंक यू सो मच श्रुति इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत कुछ मैंने कुछ सीखा आपसे इस पॉडकास्ट में उम्मीद है जी आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड अगर कोई और सवाल हो तो कॉमेंट में जरूर मैंशन करना हम डेफिनेटली पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन निकल के आएंगे दोबारा श्रुति को बुलाएंगे उनसे बात करेंगे थैंक यू सो मच एंड इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक एम एस फाइव थाउजेंड कर देने ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में टिल देन ध्यान रखिए अपना थैंक यू सो मच